दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्लेमेकर। भाई साहब बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। आप सबको पता है भाई, यहाँ पे आइगर ने थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक डिमांड रखी थी इन फ्रंट ऑफ AIFF कि भाई उनको एक मंथ का प्रिपरेटरी कैंप चाहिए बिफोर द AFC एशियन कप। क्यों भाई, यहाँ पे आपने देखा होगा पहले के जो रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स क्यों आए भाई, क्योंकि बड़ा लंबा सा कैंप था, पूरे प्लेयर्स को उन्होंने टेस्ट किया एंड दैट्स व्हाई ये जो लॉन्ग रन थी हमारी ऑफ क्लीन शीट एंड ऊपर से भाई वी आर विनिंग, वी आर अनबीटन एट होम, तो ये एक रन निकली थी थैंक्स टू दैट प्रिपरेटरी कैंप। तो यहाँ पे आइगर ने स्ट्रेस करके बताया भाई AIFF को कि भाई श्योरली आई वॉन्ट अ वन मंथ प्रिपरेटरी कैंप बिफोर द AFC एशियन कप, क्योंकि भाई AFC एशियन के ग्रुप में हमारे अब देख सकते हो उज़्बेकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, सीरिया है, बड़े तगड़े तगड़े टीम्स है भाई। बहुत अनलकी थे हम लोग एक ग्रुप को लेके, बट सीरियसली यार ऐसे तगड़ी टीम्स को बीट करने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत लगेगी, बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बहुत अंडरस्टैंडिंग और कोहेशन लगेगा। ये जरूर है भाई कि यहाँ पे आपको एक ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा सा कैंप देना पड़ेगा, बड़ा सा कैंप देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई प्रॉब्लम क्या है पता है, क्योंकि यहाँ पे FSDL और ISL क्लब्स पे डिपेंड होगा कि भाई यहाँ पे वो अपने प्लेयर को रिलीज करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द FIFA रूल यहाँ पे AIFF कांट फोर्स द FSDL एंड द क्लब्स टू रिलीज द प्लेयर्स, बिकॉज ये जो कैंप लगा रहे ना भाई, ये जो है FIFA विंडो के बाहर है। अगर आप FIFA विंडो की बात करें, यहाँ पे तीन FIFA विंडोज है हमारे लिए। देखो यहाँ पे सितंबर में हम लोग किंग्स कप खेल रहे हैं, 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक हम लोग किंग्स कप खेल रहे हैं। यहाँ पे थाईलैंड होगी इसमें, लेबनान होगी इसमें और इराक होगी, ठीक है, तो इसके लिए भी छोटा सा कैंप लगेगा। उसके बाद में हम लोग मर्डेका कप खेल रहे हैं, मर्डेका कप भाई 14 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक है। इसमें मलेशिया होगी भाई, इसमें लेबनान होगी, इसमें फलस्तीन होगी और इंडिया होगी। तो भाई उसके बाद में नवंबर में और एक FIFA विंडो है जिसमें वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेलेंगे। तो भाई वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में हमारे अगेंस्ट कौन सी टीम है अभी तक डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि इसका जो ड्रॉ है 27 जुलाई को होने वाला। तो वी हैव टू वेट अंटिल 27 जुलाई टू एग्जैक्टली सी कि हमारे अपोनेंट्स क्या है। अभी सबसे बड़ा यहाँ पे फैसला है भाई AIFF का, FSDL का और क्लब्स का, क्योंकि देखो यहाँ पे दिसंबर जो है वो FIFA विंडो के बाहर आता है, तो FIFA तो इंटरवेन यहाँ पे नहीं करेगी, ना बोलेगी ना यू नो पुश करेगी क्लब्स को कि भाई आप यू नो रिलीज करो अपने प्लेयर्स को। तो यहाँ पे भाई AIFF, FSDL सबको बैठ के यहाँ पे बातें करनी होगी एंड प्रॉपर एक सोल्यूशन निकालना होगा इस चीज का। अगर यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं निकालते तो दिक्कत हो सकती है भाई, क्योंकि आइगर सामैक ने क्लियरली बताया यहाँ पे दैट ही वॉन्ट्स अ वन मंथ प्रिपरेटरी कैंप। तो आई थिंक देना तो चाहिए यार इन माय ओपिनियन, क्योंकि देखो यहाँ इससे पहले जो रिजल्ट्स आए हैं अच्छा एक मंथ का प्रिपरेटरी कैंप था इसलिए अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, हो सकता है आगे जाते हुए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे अगर एक मंथ का प्रिपरेटरी कैंप देंगे, क्योंकि AFC एशियन कप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इस टाइम वी हैव टू गेट इन द यू नो एटलीस्ट द राउंड ऑफ 16, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रैंकिंग के लिए हो या फिर आगे बड़े बड़े टीम्स के लिए साथ में खेलना हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टूर्नामेंट, आपको पता है राइट। एंड आप क्या सोचते हो उस बारे में भाई, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना कि क्या FSDL को और क्लब को यहाँ पे एक मंथ का प्रिपरेटरी कैंप देना चाहिए, क्या AIFF को थोड़ा पुश करना चाहिए यहाँ पे FSDL को कि भाई थोड़ा सा मतलब दे दो एक कैंप, और आप क्या सोचते हो, क्या इंडिया सीरियसली यहाँ पे बड़े टीम्स के साथ में फाइट कर सकता है अभी विद गुड रिजल्ट्स ऑफ रन, क्या इंडिया होम पे जैसा खेल रहा है वैसे ही अवे भी खेलेगा, जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई ट्विटर एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम भाई, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब भाई, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना इस चैनल को। यूट्यूब मेंबरशिप आप चेक कर सकते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद और जय भारत।